एवरीवन, संविधान की सूची में हम आगे चल रहे हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो महाभियोग चलाने के 14 दिन पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाता है, जिससे कि वो अपने सफाई में भी कुछ कहने के लिए, अपना बीच बचाव करने के लिए तैयार हो सकें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 52 तो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 54 में उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है विधान परिषद में। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो सबसे पहले 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था विधान परिषदों में। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 तक तो डोमिनियन स्टेटस ही था हम लोगों का, उसके बाद फ्रीडम मिली है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति करवाते हैं या फिर उनके उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय निकाल सकते हैं। थैंक यू।